So you are from? Japan. चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल रिचार्ज। और आज आपको मैं लेके आया हूँ प्रगति मैदान में, क्योंकि यहाँ लगा हुआ विश्व व्यापार मेला 2022 जो कि आज से शुरू हो चुका है। और आज तारीख 14 नवंबर, आज चिल्ड्रन डे भी है, तो सही बच्चों को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। सो दोस्तों, आज हम घुमाने वाले हैं आपको ट्रेड फेयर, और इस ट्रेड फेयर में से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो मिलने वाली है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए घुमाते हैं आपको प्रगति मैदान का विश्व व्यापार मेला। सो दोस्तों, अगर आप ट्रेड फेयर आ रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर अगर आप आते हैं तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान सुनिएगा। चलिए बताता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। सो दोस्तों, ये देखिए, इस तरह के आपको बड़े बड़े बैनर्स लगे मिल जाएंगे, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे देखिए, ये जो ट्रेड फेयर वो 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है और 27 नवंबर तक लगा रहेगा। और ये लगा है दोस्तों प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। और बात करते हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, दोस्तों वो पड़ता है आपका सुप्रीम कोर्ट। आप वहाँ से उतर के ईजिली वॉक करके इस ट्रेड फेयर में जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पार्टनर स्टेट कौन कौन है, बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, और जो फोकस स्टेट है इस बार वो केरला उत्तर प्रदेश है। टाइमिंग की बात करें दोस्तों, तो ये जो टाइमिंग है 14 से 26 नवंबर का, और उसमें टाइमिंग होगी 10 बजे से शाम के 7:30 तक, और 27 नवंबर तक जो डेट होगी 10 से 4:30 तक आप यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। चलिए अब बाकी आपको टिकट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब टिकट की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, क्योंकि इसके बगैर तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस डेज पे आ रहे हो, यानी 14 से 18 नवंबर के बीच आ रहे हो, तो टिकट बड़ों की होगी वो होगी 500 रुपये की, और छोटे बच्चों की टिकट होगी 150 रुपये की। अगर आप 19 है, आप 27 नवंबर के बीच अगर सैटरडे संडे आ रहे हो, तो टिकट होने वाली बड़ों की 150 और छोटे बच्चों की होगी 60 रुपये की। और अगर दोस्तों आप बाकी दिनों आ रहे हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडे आ रहे हैं, तो जो टिकट होगी वो होगी आपकी 180 रुपये की, सॉरी, और बच्चों की होगी 40 रुपये की। तो ये जानकारी थी टिकट की। सो दोस्तों, हम एंट्री कर रहे हैं गेट नंबर 4 से, जो कि सबसे मेन एंड गेट है, और यहाँ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से एंट्री करना। आप चाहे तो मेट्रो के साथ वाले एंट्री पॉइंट से भी एंट्री कर सकते हैं ट्रेड फेयर में, पर फिलहाल ये जगह जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो नई बिल्डिंग, इसमें बहुत ही बड़े बड़े आप इंटरनेशनल चीज़ें देख पाएंगे, तो मैं पहले यही फोकस करूँगा, इसलिए मैं इस गेट से एंटर कर रहा हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और घुमाते हैं ट्रेड फेयर। सो दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है। देखिए, टिकट पड़ी है हमें 500 रुपये की, क्योंकि बिजनेस डेज है, तो आपको टिकट 500 रुपये पड़ेगी। और बाकी जो टिकट की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वीडियो में मिल जाएगी आपको। सो दोस्तों, ये देखिए एंट्री पॉइंट है, और फिलहाल एक चेक पॉइंट तो हमने क्रॉस कर लिया, अभी सेकंड चेक पॉइंट है, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। सो दोस्तों, ये जो मेला है ट्रेड फेयर, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो उसको घूमने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो नक्शा है उसकी एक फोटो खींच के रख लीजिए, ताकि आपको पता होगा कि किस डायरेक्शन में कौन सा हॉल है और आपने कौन कौन सा हॉल विजिट कर लिया है। सो दोस्तों, इस बार की जो थीम है वो है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, ये आपके थीम है इस बार की ट्रेड फेयर की। तो चलिए अंदर चलते हैं और घुमाते हैं आपको। सो दोस्तों, हम एंटर कर पाए हैं। सो दोस्तों, हम सबसे पहले एंटर करने वाले हैं योगी जी के राज्य में, वो है उत्तर प्रदेश। चलिए अंदर चलते हैं और घुमाते हैं आपको उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज खाली खाली आपको दिख रहा होगा, इसका रीज़न यह है कि आज बिजनेस डे है, पहला दिन है, इस वजह से देखिए भीड़ जो है आज थोड़ी कम दिखाई देगी। अभी पूरी तरह से ये मतलब ओपन भी नहीं हुआ है, साफ सफाई काम भी चल रहा है यहाँ पर साथ में। अरे दादारी मोरी मैया, देखिए दोस्तों कितना बड़ा ताला है, और चाबी देखिए दोस्तों, ये देखिए चाबी, ओए कितना बड़ा ताला है यार ये तो, माय गॉड। सो दोस्तों, ये देखिए मार्बल के प्रोडक्ट्स हैं आपको, और आगरा के, तो ये आगरा का देखिए कितना सेल लग रहा है देखने। अगर आप घर में थोड़ा सजाने की चीज़ें देख रहे हैं तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त है। क्या प्राइस है इसका? ये सिर्फ फ्लावर बाज़ कितने का प्राइस होगा इसका? इसका कम से कम होगा 50,000 का। दोस्तों ये 50,000 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, इस वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव है 50,000 पूरा? हाँ हाँ,
50,000 रुपये का तीन का सेट है ये तीन का सेट 50,000 का इसके बीच में रखा है। सो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पर ठीक है, लेने वाले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये कानपुर के गजक और यहाँ पे अचार वगैरह भी हैं, आप ले सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे गजक मिल जाएंगे आपको। और भैया क्या प्राइस है इसका? 200। ये 200 रुपीज़ का। सबके अलग अलग प्राइस है। 250 का, ये अलसी का सीड है। अच्छा 250 का है। ये अलसी सीड जो होता है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के लिए बहुत अच्छा। अच्छा ये ब्लैक सीसम सीड। सो ये देखिए ये है ब्रास हैंडीक्राफ्ट, कितनी प्यारी हुई है, श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति। और यहाँ पे देखिए श्री रामचंद्र की भी मूर्ति है। सो दोस्तों ये देखिए है सारानू का एंटी क्लाइन क्राफ्ट। और ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर, ये देखिए। और ये सब चीज़ें जो आपने घर में होम डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों हम हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सेक्शन में और यहाँ हैंडीक्राफ्ट के काफ़ी अच्छे सामान हैं, ये देखिए। और बहुत प्यार लग रहा है। और यहाँ पे पूरा जो आप शॉप देखोगे यहाँ पे ज़्यादातर भगवान की मूर्तियाँ ज़्यादा देखने मिलेगी आपको, ये देखिए। भैया इसके क्या प्राइस है? लमसम क्या होगा कुछ आसपास, कुछ पता नहीं, नहीं पता। 7,000। और इस घंटी की? 700 की है। काफ़ी हैवी है ये, किस चीज़ की है? ब्रास की है। तो दोस्तों ये ब्रास की है, 700 की घंटी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों आप जो मेरे पीछे आप स्टॉल ये देख रहे हो, सेक्शन देख रहे हो, ये है बिहार का पवेलियन है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बिहार की कौन कौन चीज़ें फेमस है वो आपको दिखाते हैं, बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों मैं खुद बिहार का हूँ तो यार ये तो बनता है देखना, दोस्तों बनता है। सो दोस्तों बिहार जो है अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, मतलब स्टॉल्स लगे नहीं है तो ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाया। तो जब आप आओगे तो ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डे तो मोस्टली जो स्टॉल्स अभी खाली पड़े हुए हैं। सो दोस्तों हम एंट्री कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं महाराष्ट्र में। और ये भी मेन पार्टनर है। सो दोस्तों महाराष्ट्र के स्टॉल्स में खड़ी हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटी। आप इसके भी रेट वगैरह मतलब पता कर सकते हैं। और बहुत देखने में से लग रही है, टायर वगैरह तो बड़े शानदार लग रहे हैं यहाँ पर। सो दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन में आके सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं उनसे, आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो भी पैकेज वगैरह है उसकी बातें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सो दोस्तों अब जो हम स्टेट विजिट करने पा रहे हैं वो है पार्टनर स्टेट झारखंड। चलिए अंदर चलते हैं और झारखंड दिखाते हैं आपको अंदर से। सबसे डेवलपिंग स्टेट्स में से एक है और सबसे अधिक खनिज जो यहीं मिलता है दोस्तों। सो दोस्तों ये जितने भी आप क्राफ्ट के सामान देख रहे हो और वॉल हैंगिंग्स देख रहे हो वगैरह, चूड़ी वगैरह देख रहे हो, ये सब जो झारखंड के आदिवासी होते हैं, समूह होते हैं, वो उनके द्वारा बनाई गई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बारीकी से काम किया गया दोस्तों सब में। सो दोस्तों अब एंटर करने वाले खादी इंडिया में, चलिए अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं। सबसे पहले घुसते देखिए आपको मिलेंगे महात्मा गांधी जी। सो दोस्तों ये है कश्मीरी सूट है और भैया कितने का है ये? 1150 का है आप ले सकते। इसके अलावा और भी कलर्स मिल जाएंगे इसके अंदर, देखिए बहुत सारे क्वालिटी है। अच्छा इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी। तो दोस्तों अगर आप आते हैं तो पसंद के ले जाए, क्योंकि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है लड़कियों के सामान है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, दुबई, छत्तीसगढ़। दोस्तों खादी के स्टॉल में यहाँ पर राजस्थान का चीज़ें मिलेंगी, राजस्थानी प्रोडक्ट देखने मिलेंगे, ये देखिए बहुत सारे सामान है राजस्थानी प्रोडक्ट्स है। और अभी फिलहाल अभी और लगा रहे हैं, अभी तो साथ पहला दिन है तो अभी चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों अगर आप पंजाबी जूतियाँ लेने जाते हैं तो इस स्टॉल पे आ सकते हैं। और ये देखिए क्या शानदार शानदार जूतियाँ हैं। भैया क्या प्राइस होंगे इनके सारे, प्राइसेस क्या हैं इनके? 750। तो दोस्तों ये 750 का है, बार्गेन वगैरह हो जाएगी बात है? हाँ तो दोस्तों अगर आप आते हैं बार्गेन कर सकते हैं, फिक्स प्राइस नहीं है।
सो दोस्तों इस स्टॉल पर देखिए लूट मची हुई है, काफ़ी लड़कियों ने भीड़ बना रखी है, अभी से सेलिंग स्टार्ट हो गई है, परचेज भी कर रहे हैं बंदे यहाँ पर। आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है बच्चों का सेक्शन और छोटे बच्चों के खिलौने आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। सो आप यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए चीज़ खरीदते हैं। भैया ये क्या है? अच्छा ये पियानो वो है मुंह से चलाने वाला, कितने का भैया है? 20 रुपीज़ का है, 200 का। अरे यार 200 का यार क्या। सो दोस्तों ये देखिए ये है मार्बल ब्लश कर्नाटका का टेबल, यहाँ पे आप लैब वगैरह ले सकते हैं, ये देखिए, और अलग अलग प्राइस है सारे लैब्स के। सो दोस्तों मैं हूँ भी खादी सेक्शन में और यहाँ देखिए आपको ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान का देखने मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अलग अलग वैरायटी देखने मिलेंगी, अलग अलग प्राइस होंगे इसकी, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं जो चीज़, क्योंकि ये चीज़ आपको इंडिया में नहीं मिलेगी, आपको अफगानिस्तान में मिलेगी, अफगानिस्तान का जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत ज़्यादा फेमस है, ये देखिए। सो दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉल को दिखाता हूँ, ये 410 है, यानी खादी वाले स्टॉल में आपको दिख जाएगा, हॉल नंबर 5 के अंदर ही है, और देखिए यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक सूट्स जो हैं पार्टी वेयर आपको देखने मिलेंगे, ये देखिए, और इस साइड्स भी हैं, इस साइड से भी दिखाता हूँ आपको, और एक दो के प्राइस भी बताने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। इसका प्राइस क्या होगा? 14,500। सो दोस्तों ये वाले जो सूट देख रहे हो पार्टी वेयर, इसका जो दाम है वो 14,500 रुपये, और आप बार्गेन कर सकते हो, खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। अरे दोस्तों इतनी खुशबू आ रही सेक्शन में, मेरा ना मैं रुक गया, मेरे को समझ नहीं आता क्या हो रही है, देखा तो देखिए यहाँ परफ्यूम का सेक्शन है और लोग यहाँ एक से बढ़कर एक परफ्यूम आपको देखने मिलेंगे, लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो अगर परफ्यूम के शौकीन है यार किसी को ना मज़ा आ जाएगा आपको खरीद के। सो दोस्तों ये देखिए ये है आपके बड़े बड़े घरों के जो सजाने के सामान हैं वो हैं, छोटे घरों में तो सबसे मुश्किल होता है लोग सजाना, और ये पत्थर की कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे पत्थर भैया बनाते हो कि कैसे मिलते हैं आपको भैया? ये वाले पत्थर कहाँ मिलते हैं? अंडे जैसे अफगानिस्तान के ये? ओए होए अंडा देखिए दोस्तों, अंडा पूरा ऐसा लग रहा बल्ब है, ये सारे प्रोडक्ट देखिए दोस्तों अफगानिस्तान के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे ये। सो सो ये देखिए कितने अच्छे लग रहा है, सामने ऊपर एक सेब बना रखा है, भैया कितने के होंगे ये वाले? 3,000 रुपये का। तो दोस्तों पर पीस आपका 3,000 पड़ेगा, और भाई साहब। सो दोस्तों अब आ गए हम जिस सेक्शन में जहाँ पे लड़कियों के बहुत सारे सामान देखने मिलेंगे, यहाँ पर देखिए रिंग्स वगैरह हैं, ब्रेसलेट्स वगैरह हैं। सो दोस्तों वहाँ का मिला है अपना सेक्शन, सेकंड होम में आ चुकी हूँ जो कि है नेपाल, और यहाँ पे सारे आपको आइटम्स मिल जाएंगे जो कि नेपाल। कल स्टॉल पे माया खड़ी मिलेगी दोस्तों आपका, नहीं तो दोस्तों ये देखिए कितना अच्छे इयररिंग्स है यहाँ पर, और यहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ भी हैं, आप यहाँ परचेस कर सकते हो। दोस्तों ये जो सेक्शन देख रहे हो ये है टर्की का सेक्शन है, और यहाँ की जो लाइट्स वगैरह थी कितनी शानदार थी ना, अगर आप यहाँ जाओगे ना तो आप कम से कम 10-20 मिनट तो बिता ही दोगे यहाँ पर, एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं आपको देखने मिलेंगी, और ऐसा लगता है कि आप सभी चीज़ें खरीद लो, मतलब अगर पैसा हो तो सब चीज़ खरीद सकता है। ये देखिए क्या शानदार लग रही है, सभी चीज़ों बहुत बारीकी से काम किया गया, और लाइट ही देखिए दोस्तों कितनी शानदार लग रही है। ये आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, क्या लग्जरी ट्रेन है ये, ऊपर से व्यू देखिए ट्रेन का। मेरा भारत महान, आइए पार करवा दें आपको, वो कह रहे हेल्प करने की जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। दोस्तों ये वैगनर बिकाऊ है। भाई
स्प्रेड अक्रॉस हरियाणा। तो दोस्तों माँ छोटी पड़ गई। अरे गिराना नहीं है इसको। आप बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं ठीक है। सो ये है बद्रीनाथ टेंपल का छोटा सा मॉडल है, ये देखिए। सो दोस्तों हम एंटर करने वाले हैं उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड में चलते हैं अंदर। दोस्तों ये उत्तराखंड का सेक्शन है। अगर आप टूरिज्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन में आ सकते हैं और टूरिज्म से रिलेटेड जो भी सामान ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। सो जैसे कि अगर प्रोडक्ट बेचना हो ना तो दोस्तों उसमें घुस जाओ। ये देखिए पूरे ड्रेस में आए यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। और ये बीकानो का है, पूरे प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ परचेज कर सकते हैं। और इस साइड के गजक है। सो दोस्तों मेरे सामने देखिए केरला का ये पवेलियन है। चलिए अंदर चलते हैं और केरला घुमाते हैं आपको, आइए। तो इस तरह केरला में ड्रेस पहनती है लड़कियाँ साड़ी। आजकल शिकायत सिर्फ जो फंक्शन है उसी में पहनती हैं, अब तो लोगों ने छोड़ दिया, पर ये इनका पारंपरिक जो है ड्रेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम हैं कैराली हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट में और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको अगरबत्ती वगैरह लेनी हो तो आप ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए ये बॉक्स बड़ा प्यारा लग रहा है और साथ में ये जो मूर्ति है वो अच्छी लग रही है। मैम व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस वन? 8000 रुपीज़ की ज्वेलरी बॉक्स है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं हैंडीक्राफ्ट्स की। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दोस्तों अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे फिश से रिलेटेड सामान यहाँ मिल जाएगा आपको। और ये देखिए अलग अलग ऑयल्स वगैरह हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं केरला के। सो ये देखिए दिल्ली के सूट वगैरह है और पार्टी वगैरह वगैरह सूट आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, अलग अलग प्राइस हैं। तो चलिए एक का मैं पूछता हूँ यहाँ पर, किसका पूछूँ भैया? वो लास्ट में जो रेड वाला है ना वो किस, उसका प्राइस क्या है? 6500। वो अभी हम सिलवाएंगे, वो कपड़ा ही कपड़ा है सिर्फ। क्या सेमी स्टिच है? अच्छा। तो दोस्तों 6500 बड़े सही शानदार है, काफ़ी बारीकी से काम किया गया है इन सूटों पर। तो ये है दोस्तों। सो दोस्तों मैं बता दूँ अभी मैं हॉल नंबर 5 में ही हूँ फिलहाल। बहुत बड़ा हॉल है, देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए टेडीज वगैरह मिल जाएंगे आपको, अलग अलग टेडी बेयर हैं, सबके प्राइस अलग अलग हैं। भैया इसके क्या प्राइस हैं? 300 का है और नीचे वाला 450 का। ओहो सबके अलग अलग प्राइस हैं दोस्तों यहाँ पर। सो मिनिमम सबसे सस्ता कौन सा है? ये 100 का है दोस्तों, सारे 100 के हैं तो आप ले सकते हो यहाँ पर। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो इस पूरा फूड कोर्ट है, ये पूरा देख रहे हो ना फूड कोर्ट पर। अभी देखिए हम पहला दिन तो अभी तक ये सेटिंग ही कर रहे हैं फिलहाल, अभी कुछ नहीं हुआ है ना। और इसके बैठने के लिए सेटिंग भी बनाई गई है, छतरी वगैरह डाल दी गई ताकि आपको गर्मी वगैरह ना लगे। ये है फूड कोर्ट, इसके अलावा और भी फूड कोर्ट्स हैं वही मैं आपको दिखाता हूँ, बने रही वीडियो में। सो ये देखिए आज पहला दिन है तो आज बिल्कुल ताज़ी लग रही है, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल अभी फ्रेश फ्रेश बनाया हुआ है, बड़ा मज़ा लग रहा है देखने में। ये देखिए चाप वगैरह है और खा सकते हैं आप यहाँ पर। सो ये देखिए यहाँ पे कुलचे वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर। मेरा फेवरेट छोले भटूरे अभी बन रहे हैं फिलहाल। सो यहाँ पे आप बिरयानी मजे ले सकते हैं और साथ में थोड़ा सा स्पाइसी हुआ है मन, तो यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह भी आप मशीन वाली खा सकते हैं। सो ये यहाँ का ये फूड कोर्ट है, सबसे बड़ा फूड कोर्ट है ये प्रगति मैदान का। फिलहाल अभी देखिए अभी तो बिल्कुल भी काम चल रहा है और कुछ चीज़ें जो आप यहाँ खा पाओगे तो मैं आपको दिखा दूंगा फिलहाल। और फर्स्ट डे है क्या पता कल से तो ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। तो अगर आप आने की सोच रहे तो एक दो दिन बाद आइए, सही रहेगा क्योंकि अभी जो स्टॉल्स वो भी ओपन नहीं है। ये देखिए सो मेरे पीछे देख रहे हो ये है सरस अजीगा का मेन एंट्रेंस है, मेन तो नहीं कहेंगे लेकिन बाहर तरफ खुल रहा है ये, तो मैं अब यहीं से एंटर करने वाला हूँ। और यहाँ से दिखाने वाले कौन कौन से बैठे आपको यहाँ देखने मिलेंगे, सस्ते हैं महंगे हैं जो भी है बता दूंगा आपको। सो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग आपको स्टेट्स के ना प्रोडक्ट देखने मिलेंगे, जिसमें आपको सूट्स वगैरह आपको देखिए साड़ियाँ होंगी और भी जैसे चप्पल जूते वगैरह, और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे पर्स वगैरह मिल जाएंगे लेदर वगैरह, और खादी की चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी सरस में। तो ये है सरस का मेन जो एग्जिट की तरफ है, आप आओगे एग्जिट तरफ है, मैं फिलहाल एग्जिट से एंटर कर रहा हूँ और अंदर भी चलते हैं पवेलियन के अंदर। चलिए अंदर दिखाते हैं। सो हमने सरस के हॉल में एंटर कर लिया है और यहाँ देखिए क्या चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पुराने टाइम की चीज़ें देख रहा हूँ। ये सब ना लकड़ी की बनी हुई है दोस्तों,
और लकड़ी भी बनाई गई है और बहुत अच्छी लग रही है। देखिए दोस्तों, इस सेक्शन में आपको कप्स प्लेट्स वगैरह आपको देखने मिल जाएंगे और उनके लगे हुए सेट्स वगैरह आप ले सकते हैं। चलिए कुछ पूछा जाएगा भैया, क्या प्राइस होंगे इस कप्स के? एक के 250 रुपये का 6 है और ये वाला सेट जो है 300 का सेट है पूरा। दोस्तों मुझे एक सही चीज़ दिखाई यहाँ पे दिखाई दी है, ये देखिए, ये इस तरह से चीज़ें हैं आपको प्रिंट, आप किसी भी अपने किसी भी टी शर्ट पे प्रिंट हो जाएगा कि अलग भी फैब्रिक के ऊपर आयरन करके चिपक जाएगा। अच्छा, बन जाएगा, मशीन वर्क कर सकते हो कोई, मतलब से सिंथेटिक हो, टी शर्ट हो या फैब्रिक हो, किसी फैब्रिक पर चिपक जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इन्हें परचेज कर सकते हो और इस पर रख के आप प्रेस मारोगे तो ये देखिए इस तरह से चिपक जाएगा, वॉशेबल भी रहेगा, वॉशेबल निकलेगा नहीं। क्या प्राइस होगा एक एक का? 150 वाले हैं सब, सारे 150 के 200 वाले ऊपर वाली लाइन, जैसे ब्लाउज में दिया उसमें 6 बटन्स आएगा, एक पैचेस आएगा। अच्छा अच्छा, वो 300 का आएगा वाला सबसे नीचे वाला ना, उसमें 3 पैचेस आएगा, एक बैक साइड का, 2 स्लीव का। सो ये देखिए 300 रुपये जो आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल, और ये जो देख रहे हो ये 150 रुपये के हैं और ऊपर वाले 200 के हैं। वो देखिए उसको आपको क्या करना है, बस एक कोई भी अपने टी शर्ट लाइए और उस पर टी शर्ट वगैरह में आप करके प्रेस मार दीजिए, इस तरह से डिज़ाइन चिपक जाएगा। तो दोस्तों ये केरला के हैं, चीज़ें आपको देखने मिलेगी यहाँ पर, साड़ियाँ वगैरह हैं। और इस साइड आते हैं तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, ये क्या प्राइस होगी इसकी? क्या प्राइस होगी? 6,500। किस चीज़ की बनी? सिल्क की है, सिल्क की साड़ी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और 6,500 दाम है इसका। और सूट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। हॉल नंबर 9 और 10 के बीच में ATM की सर्विस आपको मिल जाएगी। चलिए अंदर चलते हैं आगे। ओहो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कहाँ है? सो यू आर फ्रॉम जापान? जापान। दोस्तों अगर आप चिकन वगैरह नहीं खाते हो, लेकिन यार मतलब आपका मन करता है यार कि कभी खाया होता है वो टेस्ट क्या होता है, और अगर आपका धर्म अलाउ नहीं करता है तो आप यहाँ पे ना मतलब खा सकते हो। ये कुछ चिकन सर लगता है पर चिकन ही होता, पूरा तरह से वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और ये जापान का है, तो आप इसको एक बार यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और ये है हॉल नंबर 9 और 10 के बीच में। सर दोस्तों यहाँ पे आनंदा प्रोडक्ट मक्खन वगैरह मिलेंगे, ये देखिए। मैम क्या प्राइस होगा इसका? टॉप पे लिखा हुआ है 20 रुपीज़ है ये, चिकन की चीजें हैं, थैंक यू मच। हम चिकन मिक्स कर लेते हैं, मैं बता दूं सोयाबीन का बनाया, पर जो टेस्ट होगा वो चिकन का मिलने वाला है, राइट? चिकन का, मटन, आपको बिल्कुल नॉनवेज का टेस्ट मिलेगा। नॉनवेज का? अरे यार पानी आ गया मुंह में, आज क्या दिन है, सोमवार खा सकते हैं, बात नहीं कर रहा मैं, सोमवार मंगलवार के ऐसे ही कह रहा हूँ। चलिए दोस्तों टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सालों बाद मैं अंडा खाने वाली हूँ, मतलब सोया से बना हुआ अंडा, मतलब सोया, देखते हैं कि ये अंडे जितना टेस्ट कर पाता है या नहीं। पहले निकाल तो ले गया, पहला ही सत्यानाश हो गया। लाल टपक रहा तेरा? नहीं लाल नहीं टपक रहा यार, अंडा तो मुझे कोई नहीं खरीदेगा। दो सेकंड तक तो ये लगा कि इन्होंने गलती से मुझे अंडा दे दिया, मतलब एक्चुअल अंडे की तरह लग रहा है, टेस्ट भी उतना ही है। मैं जेन्युइन बोलियो, जेन्युइन बोल रही हूँ भाई, बिल्कुल अंडा लग रहा है, अंडा बुझी नहीं है, मैं बता दूं ये सोयाबीन का बना हुआ है। हाँ यार अंडा लग रहा है पूरा, क्योंकि मैं तो अंडा खाता हूँ मुझे पता है। आज तो बहुत नॉनवेज खा लिया है, सोया का नॉनवेज मजा गया। तो दोस्तों ये है राजस्थानी गजक वगैरह है, चॉकलेट गजक लग रही है, इसकी कीमत है 350 रुपये आधा किलो। और आगे बढ़ते हैं, और भैया देखिए क्या ड्रेस पहना हुआ है, शानदार लग रहा है भैया, एक नंबर के। और ये पूरा राजस्थानी है फूड है दोस्तों यहाँ पर, और राजस्थानी आपको यहाँ पे
कचक वगैरह देखने मिलेंगे। देखिए पूरा गुड़पट्टी है यहाँ पर, ये भी देखिए गुड़पट्टी है। सो ये देखिए, ये अलग अलग यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर, और ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका। और ये देखिए, ये है सर, ये केरला के है। yes. केरला का सर तो ये फेमस है आपका हलवा बोलते हैं इसको ना, को क्या हलवा क्या पूरा प्रॉपर क्या बोलते हैं इसको, हलवा ही बोलते हैं सर, हलवा बोलते हैं। आप सिर्फ टेस्ट भी कर सकते हो, एक सेट टेस्ट कराएंगे छोटा सा। सो मैं इसे टेस्ट करता हूँ। कैसे हैं, कितने रुपये किलो है? 250 ग्राम 150। अच्छा, जो 150 रुपये में छोटा 250 ग्राम मिलेगा, यानी आपका ये 600 रुपये किलो है। ठीक, 600 रुपये किलो आपके यहाँ पे हलवा ले सकते हो। ये देखिए, ये जो है ना केले का ये स्नैक्स खा सकते हो, बढ़िया है। विच वन इज मोस्ट स्पाइसी, स्पाइसी कौन सा सुबह है? सारा स्पाइसी है, ये मीठा है और ये भी स्पाइसी है। सो दोस्तों, अब हमें रिलैक्सो के स्टॉल्स पे, यहाँ पे अगर आप जूते लेना चाहते हो दोस्तों, अभी बिल्कुल फ्रेश माल आ रखा है और हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्काउंट चल रहा है कुछ, कितना चल रहा है डिस्काउंट? 30-40 सारे जूतों पर। और ये समय के साथ घटेगा नहीं घटेगा, बढ़ेगा ना बढ़ेगा डिस्काउंट? अभी कुछ नहीं है, बाद में लूट मच जाती, फिर बाद में तो लूट मचती है ना फिर। तो जूते तो मुझे भी लेने, परसों आता हूँ, आज से नहीं हो परसों दोबारा फिर आऊँगा ना ब्लॉगर, तो फिर प्राइस अलग रहेंगे, अलग अलग प्राइस होंगे उसमें। 1050 से स्टार्टिंग है, उस पर डिस्काउंट भी है। जी, 30% डिस्काउंट भी है। हाँ, तो दोस्तों 1500 से देखिए यहाँ पे स्टार्ट है, और यहाँ पे ना 30% डिस्काउंट मिल जाएंगे। डिस्काउंट भी बढ़ भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बात करते हैं उनसे। ये सब चीज़ें अलग अलग जूते हैं दोस्तों यहाँ पर, बॉयज़ के हैं, मैक्सिमम 1500 से 2000 के बीच है ना। तो दोस्तों यहाँ अलग अलग एक ब्रांड के यहाँ पे वॉच मिल जाएंगे, टाइटन है, टॉमी हिल्फिगर है और फास्टैग के वॉच है। और देखिए यहाँ भी लगा है, डिस्प्ले में लगा हुआ है, आप कोई भी चूज करके खरीद सकते हैं। और इससे देखिए गॉगल्स वगैरह हैं, आप गॉगल्स वगैरह भी खरीद पाएंगे यहाँ पर। सो दोस्तों, मैं हूँ वुडलैंड के सेक्शन में, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे ना वुडलैंड के जैकेट्स हैं, बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी मतलब सर्दियों में गर्म करते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे वुडलैंड के जैकेट्स आ रखे हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। उसे कोशिश करते हैं किसी के प्राइस वाइज पूछते हैं। सबसे अच्छी बात हुई, हल्के बहुत होते हैं है ना, और काफ़ी गर्म करते हैं। जैसे ये देखिए जैकेट है दोस्तों, हाँ, तो इसका क्या प्राइस होगा वैल्यू अभी? तो एयरप्रूफ वाटरप्रूफ वाला होता है। अच्छा अच्छा, मिनिमम क्या प्राइस होगा, मतलब यहाँ पे वुडलैंड का कोई जैकेट लेना चाहते हो मिनिमम कितने का पड़ जाएगा आपको? 5000 का मिनिमम पड़ेगा। और डिस्काउंट वगैरह कुछ चल रहा है इसमें? डिस्काउंट भी है। सो ये देखिए, वुडलैंड बेसिकली फेमस के जूतों के लिए है, और अगर आप जूता लेना चाहें तो ले सकते हैं। सर इस पर भी डिस्काउंट होगा है ना? अभी कितना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है? 25% चल रहा है, जो भी MRP होगा उस पर 25% डिस्काउंट होगा। सो दोस्तों 25% आपको MRP मिल जाएगा डिस्काउंट वुडलैंड के जूतों पर। चलिए चलते हैं आग बाहर की तरफ। चलिए दोस्तों, बढ़ रहे हैं हॉल नंबर 12 में, ये बेसिकली फेमस है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के लिए, चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना देखिए कितना पब्लिक तो दिखी नहीं रही यहाँ पे ब्यूटी वाले में, महंगाई बहुत होती है। देखिए दोस्तों यहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मेरा एक फ्रेंड मिस कर रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड को, हमेशा आता था यहाँ पर सामान लेने। अच्छा। सो दोस्तों, माया ने अपना सेक्शन ढूंढ लिया है ज्वेलरी का, हैं ये देखिए, बहुत ही बड़ा सेक्शन है दोस्तों यहाँ पे। सो ये देखिए माय रैंडम गैलरी, और यहाँ हॉल नंबर 12 में देखिए, ये ना बहुत शानदार घड़ियाँ, वॉल क्लॉक है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। और देखिए स्पेशल प्राइस है 999, 1000 रुपये के ऊपर वाले 1299 के हैं, और उसके ऊपर जाते हैं तो 2400 रुपये के हैं। तो सबके अलग अलग प्राइस है, तो आप यहाँ पर आकर दे सकते हो। मिलने वाले के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सारे, मेरा प्रोडक्ट नहीं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं करने वाला, लेकिन आप गर्ल्स हैं तो आती हैं तो जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है, ये देखिए। सो दोस्तों, अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं और उसका है, आपके काम को आसान बना देगा दोस्तों सारे प्रोडक्ट, देखिए किचन के काम को आसान बनाते हैं। क्यों नहीं निकलेगा, बनाई उसके लिए जूलियंस। तो शिवम इंटरनेशनल दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सूट वगैरह आप लेना चाहते हो यहाँ ले सकते हैं, ये भी हॉल नंबर 12 के अंदर ही है। और यहाँ पे देखिए आपको मिलने वाला है गाहक स्पोर्ट, शानदार चीज़ें प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत ही शानदार चीज़ यहाँ पे है।
सो दोस्तों हॉल नंबर 12 में ये है प्लॉच और यहाँ पे आपको बेबी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर छोटे बच्चों के, बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल होंगे 6 महीने साल भर के बच्चों के लिए, बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। सो दोस्तों मेरे सामने सिंगर का स्टोर है, आप यहाँ पर सिंगर के मशीन ले सकते हो। इस साइड देखिए आपके हैं कपड़ों के स्टॉल्स हैं, और इधर देखिए यहाँ पे परफ्यूम का स्टॉल है। इस साइड ऑर्गेनिक स्मोक, अगर आप स्मोकर नहीं हो और करना चाहते हो उस तरह से ऑर्गेनिक स्मोक ले सकते हो। और ये देखिए स्टॉल है कॉस्मेटिक का। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ट्रॉली बैग्स, बैग्स वगैरह, लेदर जैकेट्स वगैरह भी आपको ईजिली मिल जाएंगे यहाँ पर। अलग अलग प्राइस है और अलग अलग रेट्स वगैरह हैं, तो आप पता कर सकते हैं। किसी का प्राइस पूछते हैं मैम, क्या प्राइस होगा इसका? 3000 रुपीज़ का है दोस्तों। अगर आप सूट दुकान को पसंद आता है तो आप 3000 में परचेज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके पास हैं, पर अभी आप, मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर आप आते हैं तो फुर्सत से देखिएगा, जो पसंद आएगा लीजिएगा। रेट्स वगैरह अलग अलग है सबके, ठीक है? कोई डिस्काउंट डिस्काउंट भी है उस पर? डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी है। तो ये दोस्तों हॉल नंबर 12 में है, और ये नंबर है हॉल नंबर 12 का 14C, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो ये देखिए है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, अगर आप शौकीन हैं इनके तो आप ले सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए भैया भी लगा रहे हैं। दोस्तों मैं हॉल नंबर 12 के मलिक ट्रेडर्स में, और ये देखिए बच्चों के यहाँ पर सामान है। भैया सर सेट कैसे करते हैं अगर आप ले लोगे तो? सेटिंग का पूरा होगा इसमें? सेटिंग में क्या होता है, बच्चा पिक्चर देखकर समझ नहीं पाता, हमने इजी तरीके के लिए यूट्यूब पर वीडियोस डाले हैं। अच्छा अच्छा, स्टेप बाय स्टेप सीखेगा बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। हाँ ये देखिए। तो दोस्तों आप उसको ना अपने घर में लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जो भी आप परफ्यूम क्या डालते हैं, इसके ऊपर एरोमा फ्रेगनेंस ऑयल है, उसको डालोगे तो उसे आपका जो रूम है वो भी स्मेल करेगा, मजा आएगा आपको। तो सर इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जा रहे हैं हॉल नंबर 11 में, जो कि है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस, फुटवेयर और आईटी के लिए। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको। सर दोस्तों ये मसाजर है, आप इसे बैठ के देखते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, इतना मजा। सो दोस्तों आप जिस सेक्शन में, वहाँ क्रॉकरी के सामान आपको मिल जाएंगे, और यही सारे क्रॉकरी के सामान हैं। ये छोटे छोटे आपको देखिए कटोरियाँ वगैरह मिल जाएंगी, और इस साइड देखिए एक छोटे और बाउल टाइप है, ये कटोरियाँ ही हैं। इस साइड देखिए ये प्लेट है, ट्रे वगैरह हैं, और इस साइड देखिए ये बकायदा आपको प्लेट्स वगैरह मिल जाएंगी अलग। ये अच्छी लग रही है दोस्तों, ये वाली, ये डिज़ाइन भी अच्छा भी लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। भैया क्या है ये? स्टीम का है, सारा स्टीम की चीज़ें है ना, आप यहाँ पे स्टीम की चीज़ें आप बॉयल वगैरह कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। भैया खा भी रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बढ़िया दोस्तों, ये आप ले सकते हैं। क्या प्राइस होगा पूरा इसका सेट? 3900 ना। इसमें कोई वारंटी वारंटी होती होगी? 2 साल की वारंटी होगी। सो दोस्तों ये देखिए दवा है, ये क्या है भैया? ये बर्नर है, गैस पे चलता है, ऑयल फ्री कुकिंग करता है। गैस चलता है, ऑयल फ्री कुकिंग करता है, ये ऑयल फ्री, ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ना। सो दोस्तों मैं हूँ अभी हॉल नंबर 11 के 8C में, और यहाँ पे देखिए सारे जो है बच्चों के हैं प्रोडक्ट, जूते वगैरह हैं। भैया क्या प्राइस होगा इस जूते का? 700 और काफ़ी हल्का है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है और हल्का भी है। डिस्काउंट वगैरह कुछ चल रहा है अभी? अगर 2 पेयर लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट ये कितना कितना परसेंट देते हो? इस पे बाय 1 है 799 का। हाँ, अगर बाय 2 करते हैं तो आपका ये पड़ जाएगा 1200 1300, 1200 के आसपास, यानी 600 का पड़ जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको शोल्डर या बैक मसाज करवानी है तो आप इसको ले सकते हो। भैया क्या प्राइस है इसका? 3500 ये 4500 का है दोस्तों। भैया बैठो, बड़ा मजा आएगा। बैठो देखो कैसा लग रहा है, मन लग रहा है बैठा रहो यहाँ पर।
कोई नौकरी दे दूँ उनका बैठने यहाँ पे मज़ा आ जाता है बैठने का। तो दोस्तों ये देखिए बता दिया था मैंने, ये 4,500 का है, 3,500 का है और इसके अलावा और भी है, फूड मसाज के लिए अलग है और ये कुछ मशीन्स हैं जो हम देखने आएंगे। ये वाला चार्जेबल है, सेल्स वाला, कितने वाला ये, कितने का है ये? 150 कितना? 150 का। और इसकी कुछ वारंटी है? वारंटी एक साल वारंटी, कभी खराब नहीं होती भाई, सब लाइफ टाइम चलते हैं। कोई पीठ में लगाते रहो, नहीं भी बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल, शोल्डर, कंप्लीट बॉडी के लिए। ये गिले के गया था, ऐसा चीज़ है, मज़ा आ गया था। ये एक साल, हाँ बहुत सही चीज़ रहती है। ऑफर है 150 का है, बढ़िया है। वो पतला वाला भी आता था पहले ना, उसमें यार अच्छा। सो दोस्तों मैं परचेज करने वाला हूँ ये वाला एक पीस, भैया एक पीस निकाल दो ब्लू में है ना, और चेक करा के दिखा दो। तो भैया ये कंबल जो है डबल बेड के हैं सिंगल बेड के? ये रजाई है। रजाई है पूरा? कंबल नहीं है, रजाई है, ब्लैंकेट नहीं है। क्या प्राइस है इसका? 4,200। दोस्तों ये कंबल है, सॉरी कंबल नहीं है, रजाई है। हाँ वो सो दोस्तों हमने फाइनली पूरा ट्रेड फेयर कवर कर लिया है, मतलब जितनी भी खास खास चीज़ें वो ध्यान कर सकते, क्योंकि अभी जो फर्स्ट डे है तो पूरी तरह से जो है स्टॉल्स नहीं हुए हैं, प्रॉपर सेट हुए हैं, सामान सेट नहीं हुए हैं, तो अभी धीरे धीरे लग रहे हैं। और फूड कोर्ट भी थोड़ा सा रेडी नहीं था, तो अभी तो पहला दिन है तो कुछ खास नहीं है। तो अगर आप आते हैं तो यार 2-3 दिन बाद आइएगा, और 19 तारीख से ये आम पब्लिक के लिए रेडी हो जाएगा, तब टिकट प्राइस सस्ती होगी, तो आप यहाँ पे इजीली आप घूम पाएंगे, तब तक ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। फाइनली ट्रेड फेयर था, हमने पूरा दिखाने की कोशिश करी। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो इससे बेटर होने वाली है, वो भी ट्रेड फेयर की होगी। तो यार अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।